वेलकम बैक दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे को काफ़ी सारे बंदों ने मैसेज किया था कि जो हम लॉगिन करते हैं, जब हम गेम को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे बार बार 26 MB का अपडेट मांग रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये जो मैप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, इनको कैसे फिक्स करना है। लेकिन उस वीडियो में 26 MB का अपडेट जो था वो फिक्स नहीं हुआ था। तो आज हम वही 26 MB का अपडेट, 26 MB का जो हमको बोलते हैं बार बार इंस्टॉल करने के लिए, वो कैसे फिक्स करें, वही मैं आज आपको बताऊँगा। तो जिनका भी मैप प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार मैप उनका डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बता दिया कि उसको कैसे फिक्स करना है। वो आई बटन में ऊपर आएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलो फिर आज मैं आपको बताता हूँ कि वो जो 26 MB का अपडेट बार बार आता है, हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको फाइल पर ले चलता हूँ। फाइल पर वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप और कोई सी फाइल बता देता हूँ। आपको जाना है सिर्फ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के बाद डाटा, डाटा के बाद आपको यहाँ पे ढूंढनी है BGMI की फाइल। तो ये रही com.pubg mobile, ठीक है? तो आपको इसमें जाना है, फाइल्स में जाना है, ध्यान से देखना, और कोई सी फाइल को मतलब कॉपी मत करना। अब जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी फाइल में जाना है आपको, और वैसे वैसे ही करना है, उसी फाइल को कॉपी करना है। पैक्स में जाना है। अब ये हमारी मेन फाइल है, इसमें हमारे सारे रिसोर्स होते हैं और जो मैप्स हमारी डाउनलोड होती है वो इसमें होते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वो इस फाइल के बारे में जानते होंगे। अगर आपको भी देखनी है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 26 MB का अपडेट जो बार बार आता है उसको कैसे फिक्स करना है। तो मैं आपको ये फाइल, 6 फाइल है, इन 6 फाइल को मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कि किन को रखना है। एक ये है, और इन फाइल का नाम आप ध्यान से देख लेना और इन्हीं को उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? इनको सेलेक्ट करना है आपको, आप इन्हीं फाइल को करना और किसी फाइल को मत करना। ये 6 फाइल है, ये 6 है, ये 6 पैक है। तो इन 6 पैक को आप इनका नाम देख लो और अपने डिवाइस में जो नाम जहाँ पे है वहाँ से सेलेक्ट कर लेना, और इनको और कहीं पे जाके कॉपी कर लेना। कॉपी कर करके इसको रख लेना और कहीं पे, जैसे कि डॉक्यूमेंट में जाके मैंने यहाँ पे रख रखे हैं बाकी, तो मैं इनको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये मेरा ऑलरेडी है लाइब्रेरी वाला, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ एंड बाकी को मैंने रख लिया है। तो अभी मैं आपको बैक जाके दिखाता हूँ दोस्तों। अभी मैं यहाँ से ये जो ये वाली फाइल्स हैं जो मैंने कही थी, ये 26 MB वाली जो बार बार अपडेट आते हैं, मैं इनको अभी आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये 6 फाइल को मैंने अपने अलग फोल्डर में रख लिया है, कहीं भी आप रख सकते हो, एक न्यू फोल्डर भी बना के अभी मैं अभी आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। तो ये 6 फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको BGMI ऑन करके बताता हूँ, वो 26 MB का अपडेट आएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दूंगा क्योंकि मेरा डिवाइस लो है, तो स्टार्ट होने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको बोल रहा है ये 26 MB का जो अपडेट है वो करने के लिए बोल रहा है। ये देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे 26 MB का अपडेट आ रहा है अभी आपके सामने लाइव, कोई भी फेक नहीं है, वीडियो बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दिल से सपोर्ट करना, बट हमको ये अपडेट नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, ये जब भी अगर आपसे अपडेट मांगे तो आपने जहाँ पे वो 6 फाइल को रखे थे, जहाँ पे आपने उस 6 फाइल, आपको बैक उसी फाइल में जाना है। तो मैंने सारे फाइल को डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में रख रखा था, तो मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाता हूँ, सॉरी बैक हो गया ज़्यादा, तो मैं इसमें जाता हूँ। और ये देखो दोस्तों, ये 6 फोल्डर थे, 1 2 3 4 5 6, यही 6 फोल्डर है। नाम से आप अपने में देख लेना, नेम से करना सेलेक्ट, ऐसे लाइन से मत करना, नेम से करना आप अपने फ़ोन में। तो मैं इनको कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ जाता हूँ इंटरनल स्टोरेज, और BGMI की फाइल में जानी है हमको। और यहाँ पे हमको इनको पेस्ट कर देना है। तो ये फाइल मेरा ऑलरेडी है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये आ गया, आपको BGMI ऑन करके दिखाता हूँ वहाँ पे 26 MB का अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो दोस्तों, हमारा गेम स्टार्ट हो गया लेकिन कोई भी अपडेट नहीं आया है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। देखो गेम स्टार्ट हो गया, आपके सामने गेम स्टार्ट हुआ है और कोई भी हमारा अपडेट नेट कोई भी नहीं मांगा है। आपको प्रॉब्लम भी फिक्स हो गया होगा, तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।